हेलो एंड वेलकम बैक जिंदगी 50-50 के नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। दो दिन पहले मैंने अपना 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट किया। आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों की प्यार की वजह से मैं बहुत ही खुश हूँ और इस अगस्त में मैं इतने सारे इवेंट्स मैं देख रहा हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे पहले तो मेरा बर्थडे आया, उसके बाद मुझे गिफ्ट्स की बड़ी लंबी लाइन लगी, जो कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, कुछ मेरे घर पे है, और इसके बाद में इतना बड़ा इवेंट जो पूरी देश दुनिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नाम करने वाली चीज़ है, जो कि है हमारा चंद्रयान, उसको लैंड कराया गया। और मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं इस अगस्त में, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बार में इतनी सारी चीज़ें होंगी। तो एनीवेज अपने दिन का शुरुआत करते हैं और अपना अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। छोटा हमारा स्कूल जा चुका है और अब हमारा टाइम है चाय पीने का। गर्मा गर्म चाय यहाँ पे उबल रही है और ये हमारा सामान, और अभी अभी मैं मंडी से सब्जियां लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 सितंबर को G20 का समिट होने वाला है और ये समिट दिल्ली में होगा। तो दिल्ली बहुत ही खुशकिस्मत है जो इस समिट की मेज़बानी हम लोग करेंगे, और इतना इम्पॉर्टेंट समिट जो कि हम लोगों का इंडिया को आगे बढ़ाने में, ग्रोथ करने में इतना इम्पॉर्टेंट ये रोल निभाने जा रहा है। तो इसकी वजह से जो G20 का समिट होगा, तो 8, 9, 10 ये 3 दिन दिल्ली को बंद रखने का प्रोग्राम बना है। मतलब ये है कि मार्केट्स वगैरह, स्कूल छुट्टियां रहेंगी, कुछ मेट्रो स्टेशंस बंद रहेंगे, और कुछ गुड़गांव वाले साइड के जहाँ पे कि सबमिट होगा वो रोड कम्प्लीटली बंद रहेगा। तो इस तरह से कुछ ऑल्टरेशंस करी गई हैं जहाँ पे कि हम सब घर में बैठ के अपना प्रोग्राम देख सकते हैं, और जो अथॉरिटीज़ हैं जिनको काम करना है वो अपना काम जो भी उनको करना है, क्योंकि वो ऑफिशियल काम है, हम नहीं जानते इसके बारे में। तो इस तरह से वो 3 दिन की छुट्टी हमें मिलेगी दिल्ली वालों को, और इसका एंजॉय बहुत सारे लोग शायद बाहर जाके करेंगे, और बहुत सारे लोग शायद घर में बैठ के अपना घर में ही प्रोग्राम करेंगे, खाना पीना या गैदरिंग, और साथ में आप टीवी देख के टीवी एंजॉय करेंगे। 3 days later पूरे दिन का काम करने के बाद जब मैं घर में वापस आया तो पता चला कि जो मैं सुबह, मतलब अब तो रात हो चुकी है, जो मैं आपको बता रहा था कि सुबह लोग जो प्रोग्राम बना रहे थे कि हम लोग बाहर जाएंगे, छुट्टी है, और एकदम से पता चला कि कुल्लू के अंदर में लैंडस्लाइड होने लग गया। अब यहाँ पे नियरेस्ट क्या है आपका, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग यही प्लान करते हैं कि चलो पहाड़ों में जाए, गर्मी बहुत हो रही है। और वहाँ पे इस पोजीशन में, मतलब मैं तो देख के डर गया, आपको मैं क्लिप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे साइड पे लगा होगा, कि इस तरह से ये बिल्डिंग्स गिर रही हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड इतना हो रहा है कि शिमला तो पहले बंद हो चुका है, अब कुल्लू भी गया, मतलब उसको भी एंट्री लोगों के लिए बंद कर दी जाएगी, कर भी दी है। तो मैं अब यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर कोई भी प्लान कर रहा है जिसको बाहर जाना है, तो प्लीज़ आप पहाड़ों में मत जाओ, और कोई दूसरी जगह चले जाओ, गोवा चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, जो भी नियर बाय जो सरफेसेस हैं वहाँ पर आप लोग जाओ, लेकिन पहाड़ों पर बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि अभी मौसम भी ख़राब है, बारिश हो रही है, और वहाँ पर रेड अलर्ट वैसे भी कर रखा है, ऑरेंज अलर्ट कर रखा है। तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि फिर घूम फिर के बाद वही आ जाती है कि ये ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है हमारे लिए। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हम लोग चले जाते हैं, रिस्क ले लेते हैं लाइफ का, चीज़ें गिर रही होती हैं, हम ये सोचते हैं कि यार चलो एक कंटेंट मिल जाएगा, बट बी सेफ, मतलब अगर जो कुछ भी करो आप बहुत ही सोच समझ के ध्यान से करना। एक तरफ जहाँ पे मैं प्लान कर रहा था कि मैं खुद बाहर जाऊँगा, और उसके ऊपर में ये सिचुएशन आ गई। मैंने एक दो जनों से बात करी थी कि चलो ग्रुप बना के चलते हैं, तो हमने सोचा था कि कहाँ जाएंगे, अब प्रोग्राम बनाने लगे तो एकदम से ये कुल्लू वाला सीन सामने आ गया। तो अब डर लग रहा है, सोच रहे हैं कि क्या करें, हो सकता है कि हम लोग बाहर ना जाएं,
दिल्ली के अंदर ही इधर उधर कहीं घूम घाम लेंगे, अगर कुछ पॉसिबिलिटी हुई तो, और नहीं हुई तो मैं यही सोच रहा हूँ कि दो तीन मूवीज आई हैं अच्छी अच्छी, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, एक तो आपका वो है ओ माय गॉड 2 अक्षय कुमार की, वो भी अच्छी मूवी है सुन रहा हूँ, तो उसको देख के इंजॉय कर लेंगे, देखते हैं। बाकी अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह आएंगे या अगर किसी ने बुला लिया तो उसके घर चले जाएंगे, तो ऐसे ही कुछ हम लोग अपना प्रोग्राम करेंगे, और आप लोग भी ऐसा ही कुछ प्रोग्राम करिए, सेफ रहिए, और जो पॉसिबिलिटी हो सके जो आपको मैंने बताया वो आप अपनी तरफ ध्यान रखिएगा। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो आप लोगों के लिए मैंने बनाया, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और कोई भी चीज़ मेरी वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आप लोगों के साथ में फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे अपना मोटो ब्लॉगिंग वाला जो सेक्शन है उसको भी मैं आपको आपके साथ में मैं देखूं, चलाता रहूं, बात करते रहें। सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा अभी तक किसी मोटो ब्लॉगर के साथ में इंटरेक्शन नहीं हुआ, अगर कोई भी मोटो ब्लॉगर देख रहा होगा मेरा ये वीडियो और अगर आपको ये लगे कि हाँ मेरे साथ में आप लोग राइड कर सकते हैं या मुझे अपने साथ अपने राइड में ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों से कांटेक्ट करूंगा, बात करूंगा, और उसके बाद में फिर अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग सी बढ़िया बढ़िया वीडियो आप सबके लिए मैं लेकर आऊँगा। और इसके अलावा भी जो भी मेरा ट्रैवल वीडियो जो भी बनेगा वो तो ऑब्वियसली आपके सबके लिए है ही। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय।